दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आए हैं हरिद्वार महाकुंभ 2021। हमारा मकसद है जो श्रद्धालु कोरोना की वजह से नहीं आ पाए उनको पूरा हरिद्वार का भ्रमण कराना। तो जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, कन्हैया गिरी जी महाराज से, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रणाम। सबसे पहले आप अपना नाम, अपने अखाड़े का परिचय दीजिए। मेरा नाम कन्हैया गिरी है जी। मैं श्री पंचदश नाम जुना अखाड़ा सिद्ध बाबा श्यामगिरी सभाई परिवार से हूँ। बाबा जी, अभी यहाँ पे आप ये जो रुद्राक्षों की माला धारण करे हुए हैं, इनका क्या रहस्य है, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को। हमारा मकसद है जो हमारे श्रद्धालु कोरोना की वजह से, एक महामारी चली है जो कि हम सब जानते हैं कोरोना, उनकी वजह से नहीं आ पाए, तो उनको थोड़ा सा जानकारी दें आपके बारे में, क्योंकि आपके शुभ दर्शन उनको नहीं हो पाए, तो हम कैमरे की नज़र से दिखाना चाहते हैं श्रद्धालुओं को, बताइए। हाँ जी, ये जो है अपने रुद्राक्ष और महात्मा का सिंगार होता है जी। जैसे कि इसी पुराण में तो बोला गया कि जो 1100 जो रुद्राक्ष होते हैं वो पहनने से जो है महात्मा शिव का स्वरूप बताया गया है जी। वो जो है जिसने 11000 रुद्राक्ष धारण किया उसको बोलते हैं कि साक्षात उसका दर्शन हो गया, तो साक्षात महादेव का दर्शन, ये शिवपुराण में लिखा गया है जी। और जो है अपना रुद्राक्ष जो है महात्मा का सिंगार होता है जी, इसलिए मैंने रुद्राक्ष सिंगार किया है जी। अपने जो है सन्यासियों में रुद्राक्ष मेन सिंगार होती है जी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा बाबा जी, हमें ये बताइए, ये जो आपने ये धारण किया है, हाँ जी, इसके पीछे का कारण क्या है, मतलब क्या था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये तो अभी तो पता है जी आपको, ये जो है हम लोगों को सिंगार होता है जी। नहीं, मतलब इसके पीछे कहानी क्या है, जैसे कि हम आम लोग हैं, तो ऐसा क्या हुआ आपके साथ, मतलब उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो है बारे में बताइए, ऐसा क्या रहा कि आप मतलब इस मोह माया से दूर हो गए और एक साधु बन गए, उसके बारे में। मैं तो एकदम बचपन से ही, अपनी बचपन से ही मेरे को महात्मा बनने का, थोड़ी सी कहानी बताइए दर्शकों को। कैसी, जैसे कि मैं बचपन में ही एकदम बैराग्य उत्पन्न हुआ, बैराग्य उत्पन्न होने के बाद फिर मैं घर छोड़ के फिर मैं अपने गुफा में चला गया था। अच्छा। जब से ही वहीं गुफा में ही हूँ। अच्छा। वहीं पर ही रहते हैं जी। अच्छा, कब बाबा जी कहाँ से आए हैं, अब हरिद्वार में कहाँ से आए हैं, ये अखाड़ा कहाँ से आया है अभी? ये यहीं अखाड़ा, जो अखाड़ा तो यहीं पर ही, अखाड़ा जो है मेन तो यहाँ पर जो अखाड़ा है माया देवी में। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं अभी चल के? मैं झिलमिल गुफा से, अपने जो है नीलकंठ से ऊपर, नीलकंठ से तीन किलोमीटर ऊपर है, वहाँ पर झिलमिल गुफा है, जो वहीं झिलमिल गुफा में विराजमान रहते हैं जी हम लोग। जो हमारे मतलब श्रद्धालु हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे अंत में जी? ये क्या है, अभी इस बार तो कुंभ में बढ़िया है जो भी आ रहा है अपना, जो कि मेन तो कोरोना है ना, कोरोना का जो है चेक करके आए अपना, जो है कोरोना जो बना के आओगे आपको रास्ते में कोई रोक टोक नहीं होगा, आने में जब आओगे तब फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अपने जो है उचित दूरी का पालन करके रखे जी। जो जितने भी है ना अपने जो है कोरोना का आजकल क्या है, ज़्यादातर इसमें ये महामारी चल गई है जो है महामारी, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रहा है जी सब लोगों को। ये नहीं कि भगत को, महात्मा को भी दिक्कत हो रही है इसकी वजह से, जो है सरकार गवर्नमेंट जो है इतना व्यवस्था भी कर नहीं पा रहा है। तो फिर जो 12 साल में कुंभ मेला लगता है, जो कुंभ मेला के लिए क्या है कि 12 साल में लगता है, तो फिर इसी वजह से आने के लिए गवर्नमेंट मना भी नहीं कर रहा है जी। जो मना भी नहीं कर रहा है, जो आ रहा है उसके लिए क्या है खुद की, ये नहीं कि सरकार ने छूट दे दिया तो अपने नहीं कि पालना का उल्लंघन करे, पालना का जैसे भी ये सरकार बोलती है वैसे वैसे अपनी खुद की भी सुरक्षा में रहना चाहिए। यही कहना चाहता हूँ कि अपनी खुद की सुरक्षा अपने आप करना चाहिए। बाबा जी, हमें अंत में आप ये बताइए, रुद्राक्ष कितने हैं? मुझे तो वही हज़ारों की संख्या में लग रहे हैं। और कितना वजन होगा आपको, मतलब कुछ इसमें दिक्कत नहीं होती क्या? कोई दिक्कत नहीं होती, तो जो है हमारे सिंगार होती है, सिंगार। हाँ जी, 11000 रुद्राक्ष है जी, पूरे 11000। एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी सब हैं? नहीं, इसमें पांच मुखी है जी, सारे पांच मुखी हैं। हाँ जी, सारे पांच मुखी रुद्राक्ष है। अच्छा, सोने में, बैठने में, खाने में कोई परेशानी नहीं, आदत पड़ गई है? नहीं, सोते समय क्या है, तो जब टाइम होता है ना तो फिर आपने उतार के रख दे। हाँ जी, उतारते हैं तब फिर रख देते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। बहुत धन्यवाद।